नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम तथागत के धम्म के अंतर्गत स्त्रियों की धम्म दीक्षा, स्त्रियों की कैसी भूमिका रही है और तथागत के शरण में आकर प्रकृति नामक एक लड़की किस तरह से भिक्षुणी बन जाती है और तथागत उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, इस पर आधारित हम प्रकृति नामक चांडाली की धम्म दीक्षा पर बातचीत करने वाले हैं। और यह अध्याय हमने बुद्धायण इस धम्म, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ है, उससे लिया है। तो इसका मैं अपनी भाषा में विश्लेषण करके बताऊंगा, इसकी व्याख्या करूंगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवाराम में विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। उस लड़की का नाम था प्रकृति। तो वह पानी देने से इनकार करते हुए बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी दीजिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट गए। लड़की ने भी आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वह कहाँ ठहरे थे, और यह भी जान लिया कि उनका नाम आनंद था और वह भी भगवान बुद्ध के शिष्य है, यह भी उसने पता कर लिया। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा, और वृत्तांत कह के जैसे बच्चे होते हैं वो क्या करते, अपनी जीत मानने के लिए कुछ नाटक करते, तो वो भी क्या करने लगी, जमीन पर लेटकर रोने लग गई। तो माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया, पता लगाकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई, उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ तुम तो जादू टोना जानते हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है।
मातंगी ने आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब लड़की भी बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। तो मातंगी बोली, यदि तुम मेरे लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह स्वयं की हत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है कि वो खुद को भी खत्म कर लेगी। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूं। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, मां तुम्हारा जंतर मंतर कहां गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के जंतर मंतर के विरुद्ध असर ही नहीं करता है। लड़की चिल्लाई, मां दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे, मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी के रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। मां ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर मां ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छे से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत मां ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया, परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। तो ये किस प्रकार का जादू टोना था जो आग लग जल गई? कोई ऐसा चीज वो जानती थी कि कोई पदार्थ किसी पदार्थ पे मिलाने से आग लग जाती है, तो उस समय लोगों में वो प्रचार करती होगी कि मैं जादू टोना जानती हूँ, मैं जादू टोना इसको, है ना? तो कुछ ऐसे आजकल जो लोग करते रहते हैं ना, कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसी विद्या जानते हैं। तो ये जो लोग विज्ञान को नहीं समझते हैं, रसायन के क्रिया को नहीं समझते हैं, रासायनिक क्रिया को नहीं समझते, तो वैसे लोगों को आराम से भटकाया जा सकता है जादू टोने के नाम से। तो वो एक विज्ञान का एक रूप था, तो वो उसने किया। तो माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। मां और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी और उन्होंने क्या किया, आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आपबीती तथागत को सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजते हुए जेतवन में भी पहुंच गई और तभी उस समय आनंद क्या है, भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बचकर आनंद ने निकलना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि जहां जहां आनंद गया लड़की ने भी आनंद का पीछा किया। तब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही है। तब तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही हो? लड़की ने उत्तर दिया कि वह आनंद से विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली,
मैंने सुना है कि आनंद अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूँ। तो तथागत बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी तरीका मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी मां से भी अनुमति लेनी होगी। तो लड़की मां के पास आई और बोली, मां, जो तुम नहीं कर सकी वो मैंने कर लिया। भगवान बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन कर लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह कर देंगे। अब माँ तो समझ गई कि ये बच्ची को किधर ले जा रहे हैं, मुंडन कराने के लिए बोले हैं। अब तथागत भी जानते थे कि इसको मुंडन करा के इस प्रक्रिया के अंदर ले आओ, क्योंकि ये विद्वान लड़की है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि तू जाके मुंडन कर। उन्होंने कहा कि पहले माँ की सहमति ले, माँ अगर तैयार होगी तो। क्योंकि वो तथागत पूरे नियमों का पालन करते हुए वर्क करते थे। अब माँ समझ गई, माँ भी होशियार थी, तो माँ क्रुद्ध होकर बोली, माँ को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम मेरी लड़की हो, तुम्हें बाल रखने ही चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रवण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी उत्सुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या मर जाऊंगी, मेरे लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मां बोली, तुम मेरा अपमान कर रही हो। लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहती हूं मुझे वैसा करने दो। तो मां ने क्या किया, अपना विरोध वापस लिया और लड़की ने मुंडन कर लिया। अब मुंडन करने के बाद लड़की तथागत के सामने आकर उपस्थित होकर बोली, आपके आदेश के अनुसार भगवान, मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत ने कहा, तू क्या चाहती है? आनंद के शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे तुम प्रेम करती हो? लड़की बोली, मैं उसके नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसके आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तो तथागत बोले, क्या तुम जानती हो आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मलमूत्र का पात्र है। आगे कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष का आपस में मिलन होता है तब नए बच्चों का जन्म होता है। लेकिन सुनो लड़की, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी तो है, और जहाँ मृत्यु है वहाँ दुख है। तो लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या प्राप्त करना चाहती हो, क्या पाओगी? लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना ही बेकार है। जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक थी उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन करके वह बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई है।
मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक अरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपनी प्रज्ञा से परिपूर्ण शिक्षा मुझे प्रदान कर दी है और मुझे निद्रा से जगा दिया है। धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है। तथागत क्या कह रहे हैं, धन्य है ये प्रकृति यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। समाज तुझे वर्तमान में निम्न जाति का भला ही माने, लेकिन जो उच्च जाति का समझने वाले ब्राह्मण भी तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, न्याय तथा पवित्रता के पद से कभी विचलित नहीं होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी जो रानियां हैं उसके कीर्ति से भी बढ़कर तेरी कीर्ति फैलेगी। तो तथागत ने उसको वास्तविकता बताई कि तू इस शरीर के नश्वरता को जान, तू नश्वरता को जान लेगी तो तू जल्दी से जल्दी तृष्णारूपी बंधनों से मुक्त हो जाएगी, और जैसे ही तृष्णारूपी बंधनों से मुक्त हो जाएगी वैसे ही तू राज सिंहासन को प्राप्त कर लेगी। तू अपने सम्राटत्व को प्राप्त कर लेगी, तू अपनी स्वामिनी आप बन जाएगी और तेरे सिंहासन के सामने, तेरे उस राज सिंहासन के सामने, ये अनित्य वाला राज सिंहासन, रानियों का राज सिंहासन है, ये भी तेरे सामने झुक जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो उनका शरीर है तब तक उनका राज सिंहासन है, लेकिन तूने जो राज सिंहासन प्राप्त किया है ये परमानेंट वाला है, ये नित्य वाला है, अनित्य वाला नहीं, नित्य वाला है, सदैव रहने वाला है। तो तथागत ने अनित्यता के दर्शन करा दिए, अनित्यता के दर्शन करा के नित्यता वाला जो निब्बान का क्षेत्र है उसके उन्होंने दर्शन करा दिए। तो वो लड़की के जब प्रज्ञा चक्षु जगे, जब प्रज्ञा चक्षु से वो इस भवसागर को देखने लगी, अनित्यता को भी क्षेत्र को देखने लगी और नित्यता को भी देखने लगी, तो उसको ज्ञान के दर्शन हुए, उसको ज्ञान के दर्शन हुए, और इसलिए तथागत बड़े करुणावान होके उसके प्रति करुणा के भावना से देखने लगे और उसकी उपलब्ध को देखते हुए उसे कहते हैं कि तू आदर्श बनेगी, तू आदर्श बनेगी, बस सतपथ से विचलित मत होना और अपने पवित्र पथ से विचलित मत होना। क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है वैसे वैसे मार का एरिया भी उस व्यक्ति के तरफ आता है, तो इसलिए उन्होंने सावधान भी किया कि सतपथ से, अच्छे पथ से विचलित मत होना, अच्छे पद से विचलित मत होना और पवित्रता का मार्ग मत छोड़ना। पवित्रता का मार्ग मतलब तुम अब इधर मत देखना, गलत चीज़ों की तरफ मत जाना, काम वासना की तरफ मत जाना, अपने को पवित्र बना के रखना और पवित्र बन के तुम एक धम्म प्रचार का कार्य बड़े पैमाने पे करना। इस संदेश के अंतर्गत तथागत यह उसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ से बहुत बड़े पुण्य के कार्य होने वाले हैं और तुम्हारी कीर्ति बहुत
बड़े पैमाने पे फैलने वाली है। तो अब क्या था, अब विवाह में तो असफल हो गई, अब उसके सामने भिक्षुनी संघ में प्रविष्ट होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो उसने इच्छा प्रकट की कि तथागत मुझे भिक्षुनी संघ के अंदर प्रवेश दे दे। उन्होंने उसने निवेदन किया और तथागत ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और उसको भिक्षुनी संघ के अंदर में प्रवेश दिलाया। इस प्रकार प्रकृति एक महानतम और बहुत विद्वान भिक्षुनी हुई जिसने धम्म प्रचार का कार्य उस समय बड़े पैमाने पर किया। तो तथागत जानते हैं, तथागत की वाणी में बहुत गांभीर्य है और बहुत सरलता भी है और तर्क ऐसा है कि सामने वाले को पता ही नहीं चला कि वो उसको कहाँ ले जाने वाले हैं। उसको बताया नहीं लेकिन उसको ले आए, उसको धम्म के मार्ग पर ले आए। तो तथागत के वचन इतने महत्वपूर्ण है, तथागत जानते हैं कि कहाँ पर क्या बात बोलनी है, कैसी बात बोलनी है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, कैसे प्रश्न पूछ के सामने वाले को उसके उत्तर ढूंढने को लगाते हैं और उसके नेत्र को, प्रज्ञा चक्षु को जगाते 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 उसको सदगति के पथ पे लाते हैं, आनंद के पथ पे लाते हैं। जो आनंद वो ढूंढ रही थी, जो शरीर के अंदर आनंद ढूंढ रही थी, जो वासना के अंदर आनंद ढूंढ रही थी, उस आनंद से पार का आनंद, उस निबान के एरिया के अंदर में वो उसको ले आते हैं और वो धम्म मार्ग पर चलकर प्रकृति खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है और भिक्षुनी संघ में उसका प्रवेश हो जाते हैं। वो धम्म प्रचार के कार्य में अनवरत लगती है, अपने को साधना में लगती है, अपने को साधना में लीन पाती है और अपनी उन्नति करते हुए वो चर्वते भिक्के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करती है और उसके कारण धम्म प्रचार का काम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता है। ऐसे प्रकृति भिक्षुनी को हमारा नमन है, वंदन है। और यहीं पर मैं इस अध्याय को समाप्त करता हूँ और तथागत के वचनों से हम आज बहुत कुछ सीखने को हमको मिला है और इसलिए हम तथागत का भी नमन करते हैं। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आप स्वस्थ रहे, आपके परिवार के अंदर सभी लोग स्वस्थ हो, आप उन्नत के मार्ग पर आगे बढ़े, आप सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में, अपने कार्यों में निरंतर वृद्धि करते रहे, आगे बढ़े। आपके लिए मेरी मंगल कामना है, शुभ मंगल कामना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।